जय माता दी दर्शकों, मैं आचार्य सपना श्री आज बहुत ही हम खास विषय पर चर्चा करेंगे कि नवरात्रों में इन पावन जो हमारे दिन चल रहे हैं, नौ शक्तिशाली दिन चल रहे हैं, शक्ति के दिन चल रहे हैं, इस पे कैसे हम भोग लगाएं माँ को, किस तरीके से जो सही तरीका होता है भोग लगाने का। हम माता के सामने फ्रूट्स रख देते हैं, फल रखते हैं, ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, मिठाइयाँ रखते हैं, कलश बना के रखते हैं, वो सब चीज़ें आपकी ठीक है, बाद में आप उसको अपने परिजनों में जो है बांट देते हैं प्रसाद के तौर पे। लेकिन हम शक्ति को भोग कैसे लगाते हैं, हम शक्ति का आवाहन करते हैं, उनको कहते हैं हमारे घर में आइए, दर्शन दीजिए, फेरा डालिए, हम सब पे अपनी कृपा बना के रखिए, लेकिन जब ये शक्तियाँ आती हैं तो क्या सही तरीका होता है इनको भोग देने का, वो होता है आप किसी भी कांसे के बर्तन में, ये देख लीजिए कांसे का बर्तन है, मैं कांसे का बर्तन इस्तेमाल करती हूँ। इसमें आपने क्या करना है, या फिर अगर आपके पास वो नहीं है तो ये आपको बहुत ही आसानी से मिट्टी का बर्तन आपको मिल जाएगा। इसमें आपने क्या करना है, कपूर की टिकियाँ जो है, कपूर को आपने कैम्फर को इसमें जलाना है और उसके ऊपर आपने कोई भी 5 ड्राई फ्रूट्स इस पे आपने रखने हैं, एक 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 दाना, एक दाना आपका काजू का हो गया, एक किशमिश का हो गया, एक बादाम का हो गया, ऐसे करके आपने 5 ड्राई फ्रूट रखने हैं। थोड़ी सी मिठाई रख सकते हैं, वो आपने भोग लगानी है, क्योंकि आप लोग पूरा हवन तो करने बैठेंगे नहीं। प्रॉपर तरीका तो यही होता है कि हम लोग पूरा हवन करते हैं और उसके अंदर हम भोग लगाते हैं, लेकिन ये भी एक अच्छा तरीका होता है कि नॉर्मल जो हमारी जनता है, जो लोग हैं, जो गृहस्थी हैं, वो किस तरीके से जो है भोग लगाएं, तो ये एक तरीका हो जाता है। साथ में आप माँ को अगर ये नहीं कर सकते हैं तो एक पतासा ले लीजिए, उस पर 2 लौंग और 2 इलायची, ये संकल्प करके कि मैं इन 2 दिनों में आपको ये भोग अर्पित करूँगी और मेरा ये संकल्प है, तो आप ये करिए, आपकी मनोकामना पूरी होंगी, आपके बहुत ही रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन शक्तियों को आवाहन देने के बाद इनकी सही तरीके से खातिरदारी करनी भी बहुत ज़रूरी होती है, वहाँ कोई भूल चूक आपसे ना हो। वरना कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि हमने नवरात्रे रखे और इन नवरात्रों में हमें तो कोई खास लाभ हुआ नहीं है। खास लाभ इसलिए नहीं होता क्योंकि कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाती है और हम प्रॉपरली चीज़ों को सिस्टमेटिकली कर नहीं पाते। अपने घर में हम गेस्ट भी बुलाते हैं तो उनका पूरा लुक आफ्टर करते हैं कि कहाँ उनको बिठाना है, कहाँ उनको खिलाना है, क्या क्या चीज़ें बाहर से मंगवानी है। ऐसे ही नवरात्रों में माता को चुन्नी चढ़ा देते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन बस भोग लगाने के टाइम पे भोग को उनके सामने लाके सिर्फ रख देते हैं, लेकिन वो चढ़ता कैसे हैं वो सही तरीका मैंने आज आपको बताया, उसको आप ज़रूर फॉलो करिए और आगे और भी वीडियोस बना के आपको ऐसी ही जो है ना रहस्यमयी जानकारी, जिसकी कई बार हम लोग चर्चा अधिकतर नहीं करते हैं, वो चर्चा हम करेंगे। जय माता दी।